स्टार्ट तो डेरिवेटिव्स के आगे के प्रॉब्लम्स करेंगे लाइक क्वेश्चन कह रहा है द सेट ऑफ पॉइंट्स वे आर द फंक्शन फ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स टाइम्स मॉड एक्स इज डिफरेंशिएबल तो सेट ऑफ पॉइंट वे आर द फंक्शन यफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स डिफरेंशिएबल है तो so, पहला है जो ये फंक्शन है ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स हम लोग इसको देखेंगे पहली बात तो मॉड एक्स की वैल्यू होती है एक्स और माइनस एक्स एक्स कब होती है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो हम लोग एक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अभी तक केवल मैंने मॉड एक्स की वैल्यू लिखी है अभी तक मैंने केवल मॉड एक्स की वैल्यू लिखी है अगर आप यहां पे देखा जाए तो केवल मॉड एक्स है मेरे फंक्शन में क्या चाहिए मुझे एक्स तो मतलब मैं इसमें एक्स मल्टीप्लाई करूंगा अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो एक्स इसके दोनों कंडीशन में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो मतलब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होते कि नहीं तो लेफ्ट डेरिवेटिव क्या होता है लिमिट एक्स टेंस टू टू जीरो माइनस अब यहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है जीरो पे तो मैं जीरो पे चेक कर लेता हूँ बाकी जगह वो डिफरेंशियबल है जीरो के बाद जीरो, जीरो पॉलिनोम प... दिए जीरो, तो प... जीरो होता है डिफरेंशियबल होता है तो केवल केवल मैं जीरो पे चेक करूंगा तो डेफिनेशन कहता है ये एल एच डी है तो ये एलएचडी का फंक्शन क्या है एक्स टेंस टू जीरो की वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस जीरो अपॉन एक्स माइनस जीरो तो ये जो अब इसका अगर मैं लिमिट निकालूं तो ये लिमिट जो है एग्जिस्ट भी करेगा और इस लिमिट का जो आंसर है वो फाइनाइट uh, भी आएगा तो इस तरह से देखा जाए तो ये लिमिट का वैल्यू जो आएगा केवल केवल एक्स आएगा ये बचेगा केवल एक्स अपॉन एक्स और ये आंसर आ जाएगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो ऑफ एक्स और इसका आंसर आएगा जी तो ये तो एल एच डी आ गया अब आरएचडी की बात करें तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो प्लस यफ ऑफ एक्स माइनस ऑफ़ जीरो। अच्छा मेरे से एक मिस्टेक हुआ है ये एल एच डी मतलब ये माइनस एक्स स्क्वायर था तो यहां माइनस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा और यहां पे भी माइनस आएगा तो तो आंसर सेम ही अपॉन एक्स माइनस जीरो अब आर एच डी में मेरा फंक्शन जो होगा वो होगा एक्स अपॉन एक्स माइनस जीरो अब हम इसको वापस इवेलुएट करेंगे तो लिमिट एक्सटेंस टू जीरो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स और जो कि आंसर फिर देगा लिमिट एक्सटेंस टू जीरो इसका मतलब एट एट एक्स इक्वल टू जीरो मतलब जो है यफ डैश एक्स जो है f at 0, exist, इसका मतलब एक्स इक्वल टू जीरो बाकी अदर पॉइंट्स के लिए अदर पॉइंट के लिए जो इसका वैल्यू है वो एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर दो तो पॉलिनामियल तो, फंक्शन uh, है इसलिए वो डिफरेंशियबल हो क्योंकि हर एक परिणामियल फंक्शन डिफरेंशियबल होते हैं तो इस तरह से इस क्वेश्चन को किया जाएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है वाई इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स का क्यूब डी वाई बाई एक्स इक्वल टू वॉट पूछा है तो हमें वा, वाई जो दिया है वो दिया है लॉग ऑफ एक्स का होल क्यूब तो अगर मैं डीवाई बाई डी एक्स निकालूंगा तो यह आएगा डी बाई डीएक्स ऑफ डीवाई बाई डीएक्स इक्वल टू डी बाई डीएक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स का होल क्यूब तो पहला अगर ऐसा दिया रहता है कभी भी जब पावर में दिया रहेगा ऐसा तो सबसे पहले पावर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर का पहला आएगा थ्री टाइम्स एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर ये हो कैसा रहा है जैसे हम लोग एक्सरेस टू एन को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो एक्सरेस टू एन का डिफरेंशियन आता है कि टू या अगर मैं क्यूब को जैसे अगर डिफरेंशियट करूंगा तो उसका तो वैसे ही ये थ्री लॉग एक्स का होल स्क्वायर अब मुझे लॉग एक्स को भी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल लग रहा है यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा थ्री लॉग एक्स का स्क्वायर और लॉग एक्स का डेरिवेटिव आएगा वन अपॉन एक्स तो इस तरह से इस क्वेश्चन को जो है हम लोग सॉल्व करेंगे आगे चलते हैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं तो डी dx डी एक्स ऑफ रूट साइन रूट एक्स पूछा है कि इसका आंसर क्या आएगा तो हम लोग डायरेक्टली सॉल्व करने स्टार्ट करेंगे ध्यान से देखा जाए तो ये रूट मतलब देखो जब भी जब भी हमें ऐसा दिया रहे मैं एक फॉर्मूला देता हूं कि जब भी डी बाई डी एक्स ऑफ रूट दिया रहे तो पहले रूट का डिफरेंशिएशन होता है और रूट का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन टू टाइम्स रूट ये फॉर्मूला है पहले रूट का डिफरेंशिएशन तो रूट का डिफरेंशिएशन होगा वन अपॉन टू टाइम्स रूट और अब यफ डैश मतलब EFX का uh, EFX का डिफरेंशिएशन uh, का एक्स तो हो जाएगा इस तरह से जो है हम लोग रूट को डिफरेंशिएट करते हैं तो अगर वही फॉर्मूला मैं इसमें लगाऊ तो पहले रूट साइन रूट एक्स है तो पहले रूट ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होगा तो जो भी अंदर लिखा है वो वन अपॉन टू टाइम्स रूट साइन रूट एक्स अब इंटरनल डिफ्रेंसिएशन मतलब इंटरनल फंक्शन कौन बैठा है साइन रूट एक्स बैठा है तो अब इसका डिफरेंसिएशन करेंगे तो तो ये टाइम्स अब sin का क्या होता है तो cos, sin के अंदर जो भी बैठा है एक बार तो लिखना पड़ेगा अब जो अंदर बैठा था मतलब रूट एक्स बैठा था तो रूटेक्स का भी डिफरेंसिएशन करना पड़ेगा अगले स्टेप में तो अब इसका आंसर आएगा वन अपॉन टू अंडर रूट ऑफ साइन रूट एक्स कॉस रूट एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन तो वन अपॉन टू टाइम्स रूट एक्स फाइनली इसको मिला के रख दूं, तो कॉस रूट एक्स अपॉन ये टू इंटू टू फोर अच्छा ये भी रूट एक्स है और ये भी रूट के अंदर है तो इसे मैं मिला करके ऐसे लिख सकता हूं एक्स टाइम्स साइन रूट एक्स एक्स टाइम्स साइन रूट एक्स तो बेसिकली देखा जाए तो मेरे मेरे क्वेश्चन में जो ये ऑप्शन दिया था मैंने ऑप्शन नहीं लिखा है उसका ये फर्स्ट ऑप्शन होगा आई और भी ऑप्शन दिए थे बट मैंने एक लिखा नहीं हमें क्वेश्चन के आंसर से मतलब है जहां पे कॉस्ट कभी कभी ऑप्शंस को एलिमिनेट करना लिखा होगा मैं ऑप्शन से जाऊंगा डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ अंडर रूट ऑफ टू एक्स माइनस थ्री अगर इसे डिफ्रेंशिएट करने बोलू तो सबसे पहले साइन का डिफरेंशियन होगा साइन का होगा तो कॉस और अंदर जो भी बैठा रहे उसे ले लो अब अब जो भी है अब अंदर रूट टू एक्स माइनस थ्री तो अभी कॉस टू एक्स माइनस थ्री अब इसको लिखेंगे तो वन अपॉन टू टाइम्स अंडर रूट ऑफ टू एक्स माइनस थ्री अभी इसके अंदर के भी जो है तो वो भी है 2x minus 3 इसको डिफरेंटिएट करें तो अगले स्टेप में जो है इसका आंसर मुझे मिल जाएगा कॉस 2x minus 3 ये एंगल है कॉस का कभी गलती से इसको यहां से कट मत कर देना आप लोग ठीक है तो one upon two times under root of 2x minus 3 into 2x minus 3 का डिफरेंशिएशन two होता है ये two और ये two कैंसिल हो जाएगा तो इसका फाइनल आंसर मिलेगा कॉस ऑफ अंडर रूट ऑफ टू एक्स माइनस थ्री होल अपॉन ये टू टू कैंसल तो अंडर रूट ऑफ टू एक्स माइनस थ्री तो मेरे क्वेश्चन में जो आंसर दिया है वो भी फर्स्ट फिर से फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है तो मैं ऑप्शन नोट डेट कर दे रहा हूं ठीक है अब मैं आगे चलूंगा एक इंटीजर टाइप क्वेश्चन पूछा है जेई का कि आ, वाई इक्वल टू टू, टू टू रेस टू एक्स दिया है है। और वाई बाई डी एक्स का जो वैल्यू दिया है वो दिया है लॉग ऑफ टू फिफ्टी सिक्स टू वन एक्स इक्वल दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ ए पूछा है ए की वैल्यू क्या आएगी इंटीजर टाइप क्वेश्चन है सिंगल इंटीजर आंसर आना चाहिए तो पहली बात तो वाई इक्वल टू ये टू रेस टू ए एक्स दिया है मैं काम करता हूं इसको इस तरह से लिखता हूं वाई इक्वल टू टू रेस टू ए रेस टू एक्स हमें पता है कि जब भी ए रेस टू एक्स का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो आंसर आता है ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए तो अगर मैं इसको डिफ्रेंशिएट करूं तो यह आएगा डी वाई बाई डी एक्स टू रेस टू ए जो है अभी ए की जगह बैठा है ये जैसे यहाँ पे कंपेयर करें तो ये वाला ए और ये टू और टू रेस टू ए सेम है तो पहला आएगा टू रेस टू ए रेस टू एक्स इन लॉग ऑफ टू रेस टू ए अब यहाँ डीवाई बाई डी की वैल्यू मुझे दी गई है कितनी दी गई है लॉग ऑफ टू और ये आएगा टू रेस टू ए रेस टू अब जब लॉग ऑफ टू कब आता है जब एक्स की वैल्यू वन होती है तो मैं यहां वन डाल दूंगा log ऑफ 2 raise to a

तो अब अब आंसर जो आया है वो आएगा ए इंटू टू रेस टू एक्वल टू एट तो एंटू टू रेस टू एक्वल टू टू का पावर थ्री तो अगर कंपेयर करूं तो अगर एट आने का जरिया है तो वो इसी तरीके से आएगा कि ए की वैल्यू टू होनी चाहिए तभी आएगी नहीं तो नहीं आएगी तो कंपेयर दिख करके भी इसको लिखने की जरूरत भी नहीं थी इनफैक्ट अगर देखा जाए तो टू का पावर टू लूंगा तो तो इस फोर हो जाएगा ठीक है तो ए का वैल्यू मुझे टू लेना पड़ेगा तभी जा करके ये भी आ, ये टोटल सेटिस्फाई करेगा इस हिसाब से ए का वैल्यू टू आएगा और मेरा इंटीजर क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया ठीक है इस तरह से जो है यह क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है आगे क्वेश्चन करेंगे कह रहा है कि डी वाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ Log of, log of, x. तो बेसिकली देखा जाए तो लॉग का डिफरेंशिएशन होता है वन अपॉन एक्स लेकिन यहां पे अगर हम पहले देखें ये लॉग के अंदर लॉग है तो पहले अगर मैं इस बाहर वाले लॉग को देखूं तो इसके अंदर ये बैठा हुआ है तो मुझे पता है कि लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है d by dx of log of f x f x तो इसका होगा one upon f x और फिर f x का derivative तो अगर मैं ये formula लगाऊं तो मेरा f x इसमें जो है ये अंदर वाला log है ये अंदर वाले दोनों log तो पहला आएगा one upon दो time log log of log x अब मुझे differentiate किसको करना है d by dx of log of Log X. अब फिर से होगा ये अब ये तो लॉग ऑफ लॉग एक्स तो बैठ गया इसको कुछ तो कर नहीं सकते अब इसका फिर से लॉग ऑफ लॉग एक्स है, तो, ये है तो अब यहां से आएगा वन अपॉन लॉग ऑफ लॉग एक्स फिर वन अपॉन लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स तो फाइनल आंसर जो मेरा आएगा वो लिखूंगा वन अपॉन एक्स फिर लॉग एक्स फिर लॉग ऑफ लॉग एक्स इस तरह से जो है ये मेरा क्वेश्चन जो है सॉल्व होगा आगे चलते हैं और आगे क्वेश्चन करेंगे अभी एक सीरीज में दिया हुआ है क्वेश्चन और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक्स जो है वो दिया है x माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स का पावर फोर एंड सो ऑन और यहां मॉड एक्स जो है लेस देन वन कंडीशन दिया हुआ है तो मुझसे पूछा है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी अगर मैं एफ एक्स को ध्यान से देखूं तो ये एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब माइनस एक्स का पावर फोर ये जो है ज्योमेट्रिक सीरीज है और इसका मॉड एक्स जो है वन से कम भी होता है तो इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज का जो सम होता है उसका फॉर्मूला होता है ए अपॉन वन माइनस आर तो इस क्वेश्चन में देखूं मेरा फर्स्ट टर्म फर्स्ट टर्म मेरा जो है वो है एक्स और इसमें जो आर है आर R का वैल्यू है माइनस एक्स तो ये आ जाएगा वन माइनस ऑफ माइनस एक्स बेसिकली फंक्शन हो जाएगा एक्स अपॉन वन प्लस मुझे डिफ्रेंशियट करना है तो डिफरेंशियट करने के लिए मुझे u, v, u v लगाना पड़ेगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ ये वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर क्योंकि डी बाई डी एक्स ऑफ यू अपॉन वी अगर आप लोग को याद ना हो तो मैं एक बार लिखवा देता हूं इसका फॉर्मूला होता है नीचे v का स्क्वायर फिर v फिर डी यू बाई डी एक्स माइनस u बाहर डी वी बाई डी एक्स तो अगर पहचाना जाए तो u मेरा x है और v मेरा वन प्लस एक्स है तो v का स्क्वायर बोले तो वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर फिर अब v बाहर तो मतलब वन प्लस एक्स बाहर तो u का डिफ्रेंशिएशन मतलब डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स फिर माइनस अब यू बाहर एक्स बाहर हो जाएगा डीवाई डी एक्स ऑफ वन प्लस एक्स अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो वन प्लस एकस, एकस का तो वन होता है, तो उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है वन, तो वन ही होता है जहां कुछ ना हो वहां वन हो सबसे प्यारा मेरा वन फिर माइनस एक्स इन वन प्लस एक्स इसका भी डेरिवेटिव वन तो लिखूंगा ही नहीं वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर अब जो है ये एक्स और ये एक्स कैंसिल हो गया तो वन अपॉन वन प्लस एक्स का होल स्क्वायर बहुत ही प्यारा सा आ गया इसका। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं आगे चलेंगे और भी क्वेश्चन है सोल्व करने के लिए एक इंटीजर टाइप फिर से क्वेश्चन मिलेगा इंटीजर टाइप क्वेश्चन कह रहा है कि आ, यफ ऑफ टू की वैल्यू फोर दी गई है और यफ यफ डैश ऑफ टू की वैल्यू वन दी गई है तो मुझसे पूछा है कि लिमिट एक्स टेंस टू टू एक्स टू यॉन एक्स माइनस टू क्या होगा मैंने बताया था कि ये एल हॉपिटल रूल लगाते हैं और सॉल्व हो जाएगा अगर मैं एक्स की एक्स की वैल्यू टू डाल दूं ये जीरो बाय जीरो फॉर्म हो जाएगा तो मैं एल हॉस्पिटल रूल लगाता हूं और एल हॉपिटल रूल का फॉर्मूला कहता है लिमिट एक्सटेंस टू टू यहां पे इन दोनों में ना यू वी रूल लग जाएगा प्रोडक्ट रूल प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला भी दे देता हूं एक बार आप लोग को याद हो जाए कि यू बाहर वी का डिफरेंशिएशन और फिर वी बाहर यू का डिफरेंशिएशन तो अगर देखा जाए तो इसको मैं लिखूंगा x फिर यफ एक्स और x का डिफरेंशिएशन तो वन होता है फिर टू ये अब अगर मैं इसमें चाहूं तो मैं की वैल्यू टू तो डाल देता हूं x f okay. एक बार हम सोफिस्टिकेटेड वे में लिख दिया जाए तो एक्स एफ डैश एक्स प्लस माइनस टू यैश एक्स अब मैं जीरो की टू टाइम्स यू टू टाइम्स एट टू प्लस यफ एक्स मतलब टू टाइम्स एट टू तो अब यफ डैश एट टू की वैल्यू तो वन दी गई है तो टू प्लस वन और ये फोर दी गया है माइनस टू तो टू प्लस टू माइनस टू गया केवल फोर आंसर बचेगा तो so, इस क्वेश्चन को जो हम लोग हैं इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आगे और चलते हैं लेव, आ, की क्वेश्चन दिया है डिफ्रेंशिएबल है और कुछ कांस्टेंट के बारे में पूछा है वैसा कुछ क्वेश्चन होगा तो क्वेश्चन दिया है एफ एक ऑफ एक्स इक्वल टू तो, ए एक्स स्क्वायर प्लस वन एक्स लेस दैन इक्वल टू तो वन और एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इफ एक्स ग्रेटर दैन वन बोला है क्वेश्चन में कि डिफरेंशिएबल है डिफरेंशिएबल है डिफरेंशिएबल मैं पूरा नहीं लिखता हूं एट एक्स इक्वल टू वन पूछा है ए और बी क्या होंगे मतलब कांस्टेंट के बारे में पूछा होगा क्वेश्चन तो अगर डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब एल एट एक्स टेंस टू वन और इक्वल टू आर ये दोनों इक्वल होंगे तो लिमिट एक्स टेंस टू वन माइनस तो अगर मैं पहले वाले में देखूं तो मेरा पहले वाले का वैल्यू एक्स लेस देन वन की बात करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस यफ ऑफ वन जो है अगर इसमें डालूंगा तो अगर एफ ऑफ वन डालो तो ये वैल्यू में यहां से पहले वाले फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो आएगा ए प्लस वन तो यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस वन। एक्स वन। और, और यहाँ पे लिखूंगा लिमिट यहां एफ एक्स जो है वो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी माइनस ए प्लस वन और अपॉन एक्स माइनस वन अगर मैं इसको आगे चेक करूं तो अगर मैं एक्स की, की वैल्यू वन डालता हूँ तो जो है ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है अगर एक्स की वैल्यू वन डालू तो सेटिस्फाई नहीं होगा तो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ इस लिमिट को निकालने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि ये येल हॉपिटल रूल से सॉल्व हो जाए तो अच्छी बात है येल हॉस्पिटल रूल से अगर सॉल्व करें तो इस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं कि आ, जो इस तरह से होगा कि ये टू ए एक्स लिमिट एक्सटेंस टू वन ये स्क्वायर का लिमिट जो वन अपॉन वन ये तो खत्म ही हो जाएगा ये टू ए एक्स हो जाएगा ये माइनस ए प्लस वन खत्म हो जाएगा और इक्वल टू लिमिट एक्सटेंस टू वन और यहां पे टू एक्स टू एक्स प्लस ए और अपॉन वन तो हो जाएगा अब मैं अगर वन डाल दू यहाँ पे तो ये टू ए इक्वल टू यहाँ पे वन डाल देंगे तो टू प्लस ए ये चला जाएगा यहाँ पे ए टू ए माइनस ए ए जो है तो ए की वैल्यू इक्वल टू टू आ जाएगी ए इक्वल टू टू आ जाएगी तो अगर ए की वैल्यू टू आ गई तो हम लोग यहाँ पे डाल सकते हैं और इसके बाद बी को भी निकाला जा सकता है तो इस तरह से जो अगर ए की वैल्यू टू आ गई तो जाहिर सी बात है ये लिमिट निकालने के लिए बी की वैल्यू जीरो ही होनी पड़ेगी ये बी की वैल्यू जीरो होनी पड़ेगी नहीं तो फिर प्रॉब्लम तो इस तरह से जो है सॉल्व uh, करेंगे इस क्वेश्चन को क्योंकि ए अगर टू आ गया और उसको सेटिस्फाई होना है LHD RHD, अगर होना है तो बी की वैल्यू जो है जीरो ही आनी पड़ेगी अदरवाइज वो सेटिस्फाई नहीं हो नहीं तो फिर प्रॉब्लम आए इस तरह से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ठीक है